हाय एवरीबॉडी, इट्स माय फर्स्ट ब्लॉग। सो आज हम देखेंगे साइट पे अगर डबल एसी ब्लॉगर चले तो उस पर कौन से क्वालिटी पे ध्यान देनी है। तो चलो, ये है हमारा डबल एसी ब्लॉगर। तो इसमें जो फर्स्ट चीज़ ध्यान देनी है, ये हम मोटर और केमिकल दोनों से कर सकती है। अगर ये डबल एसी ब्लॉगर अगर मोटर से हो तो इसकी दोनों के बीच में जो मोटर की थिकनेस वो 10 से 12 mm की होना चाहिए। और ये हम सीमेंट पेस्ट से नहीं कर सकते, इस पर एम सैंड भी मिलाना जरूरी है। और इसकी जो रेशियो है सीमेंट एंड सैंड का, वो 1:6 पे होना चाहिए। अगर ये हम केमिकल से करें तो इसकी जो थिकनेस है केमिकल की, वो 3 mm की होना चाहिए। और उसके बाद जो ध्यान देनी है, ये जो ब्लॉक की जो जॉइंट है, एक जॉइंट के नीचे दूसरी जॉइंट नहीं आए, इस चीज़ पर ध्यान देनी है। और किसी बात ये है, अगर हम साइड पर ब्लॉक वर्क करें तो ये चीज़ की ध्यान दें, जो ब्लॉक वर्क एक दिन में 1200 mm के ऊपर ना जाए। अगर 1200 mm से ऊपर करें तो वो स्ट्रक्चर के लिए अच्छा नहीं है, वो ख़राब है। और ब्लॉक वर्क 1200 के ऊपर हमें एक कॉपिंग डालनी होती है, ये इसको बोलते हैं कॉपिंग बेस प्लेट। तो ये कॉपिंग जब हम डालें, इसके अंदर 2 स्टील देना बहुत ज़रूरी है, और ये 1200 mm के ऊपर होना है। और उसके बाद ये जो ब्लॉक वर्क है, इसके काफ़ी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं। तो इसके एडवांटेज में आए तो एडवांटेज ये है, ये बहुत लाइट वेट है और ये पूर्णली इको फ्रेंडली है और फायर रेजिस्टेंट प्रूफ है और ये साउंड प्रूफ भी है। और इसकी डिसएडवांटेज देखें तो इतना कुछ डिसएडवांटेज है नहीं, और वो स्ट्रक्चर के लिए बहुत अच्छी है। और इसकी अब हम देखेंगे इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैसे ही इंस्टॉलेशन होती है। तो एट फर्स्ट सबसे पहले इसके ऊपर केमिकल आ गए, एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में जो गैप है उसके अंदर केमिकल आ गए। उसके बाद ये आ गए ब्लॉक, ये ब्लॉक की जो साइज़ है ये 600 mm की लंबाई है और 200 की हाइट है और 150 की ये ब्रेथ है। ये आ गए ब्लॉक, केमिकल लग गए, इसके ऊपर दूसरी ब्लॉक आ गए और प्लम्ब ऑफ से ये देख रहा है, ये इस ब्लॉक और दूसरे ब्लॉक के बीच में कुछ स्लोप वगैरह है क्या। अगर ये स्लोप में बन जाते तो इसके अंदर क्रैक आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होती है। ये सेम पोचर से आगे बढ़ते रहती है। ये जो केमिकल की थिकनेस है ये 3 mm के आसपास होना चाहिए, 3 से 4 mm के बीच में होती है ये।